मास रेस्टोरेंट पे पाए लाजवाब जायका, अपने मनपसंद खाने का स्वाद, वेज नॉन वेज की स्पेशल वैरायटी, चाइनीज मुगलाई फैमिली रूम भी अवेलेबल। यही नहीं, स्वीट एंड बेकरी में काजू की बनी अलग अलग वैरायटी के गिफ्ट, मिठाइयाँ, दूध और मावा मिठाइयाँ, हलवा, माद स्पेशल, नमकीन, केक और भी बहुत कुछ। मिठाइयों का मैन्युफैक्चर पाएं 10% का डिस्काउंट। मास रेस्टोरेंट स्वीट एंड बेकरी पे आए खाने और स्वीट का स्वाद पाएं। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे गटर नालों का काम मुंब्रा शहर में तेज़ी के साथ किया जा रहा है। इसी तरह से तनवर नगर में भी गटर नाले का काम का जो है शुरुआत किया गया है। आज रूता अवार्ड के हाथों से नारियल फोड़कर गटर नाले का उद्घाटन यहाँ पर किया गया। इस मौके पर यूनुस शेख और शहर यूनुस शेख और विरोधी पक्ष नेता अशरफ सालू पठान, एनसीपी के और भी तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। आपको बता दें, नाटकर बिल्डिंग से मून लाइट बिल्डिंग तक और गुलचन अपार्टमेंट से अमार कॉम्प्लेक्स तक, यहाँ का ये जो नाला था ये काफ़ी पुराना नाला है ये, और भर चुका है। इसकी स्थिति जो है काफ़ी ख़राब हो चुकी है, लेकिन बहरहाल अब इस नाले का काम शुरू किया जाएगा और इस नाले के ऊपर से फुटपाथ बनाया जाएगा ताकि लोग उसके ऊपर से आ जा सके। बहरहाल जिस तरह से तमाम सवाल उठ रहे हैं कि विरोधी पक्ष जो है वो विरोध उठा रहे हैं कि अभी तक क्यों नहीं इसका काम हुआ था, लेकिन उस बारे में भी जब मीडिया कर्मियों ने सवाल किया तो शानू पठान ने उसका भी जवाब दिया। लेकिन जिस तरह से आज गटर नाले जो यहाँ पर काम के लिए जिसका उद्घाटन किया गया है, उसके पक्ष में शहर यूनुस शेख ने क्या कुछ जानकारी दी है, रूता अवार्ड ने क्या कुछ जानकारी दी है, और विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान ने भी क्या कुछ कहा है, सुनिए। आज यहाँ पर जो नारियल फोड़ा जा रहा है, उद्घाटन किया जा रहा है, क्या काम हो रहा है और क्या इसकी पूरी डिटेल? आज हमने गटर रेनोवेशन का ओपनिंग किया है, जो नाला नाटकर से लेकर के मून लाइट तक है और गुलशन से लेकर अमर तक, ये दो नालों का गटर रेनोवेशन का काम स्टार्ट हुआ है। प्लस उसके ऊपर के फुटपाथ का भी प्रॉपर रेनोवेशन होगा, तो डेवलपमेंट जो एरिया में होना चाहिए वो भी दिखेगा और थोड़ा खूबसूरत दिखेगा एरिया, हमारा वार्ड जो भी है, तो वो काम का ओपनिंग आज हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे मैडम आप जिस तरह? कुछ नहीं, अभी अभी इन्होंने जो इसने जो बोला है वही काम होने वाला है। जहाँ जहाँ उखड़ा हुआ है, कलवट जाम है, पूरे भरे हुए हैं, गटर क्लीन नहीं है, तो इंशाल्लाह वो सब हो जाएगा थोड़े दिन में। अभी काम तुरंत शुरू हो जाएगा क्योंकि दोनों कामों की वर्क ऑर्डर आ गई है। तो हमने अभी मतलब कॉन्ट्रैक्टर से मैंने इससे पूछा तो इसने बोला कि शायद तुरंत ही, कल से या आज शाम से ही काम शुरू हो जाए। मैम, मेरा एक लोगों की तरफ से एक सवाल है, इलेक्शंस में ही क्यों सड़कें बनने लग जाती है, नालों की साफ सफाई? क्योंकि ना पब्लिक मेमोरी इज़ वेरी शॉर्ट। शानू में क्या कहेंगे आप जिस तरह से आज यहाँ पर दो गटर का काम का जो है शुरुआत किया गया, ओपनिंग की गई आज यहाँ पर, क्या कहेंगे? देखिए, इस वार्ड के अंदर चिराग डोंगरे जी और जफर भाई और नेहा मैडम, नायक मैडम, इसके साथ आज एक युवती मिली है, अच्छी यंग लड़की है, सहार यूनुस शेख, उनके जो वालिद है वो भी अच्छा, इस शहर के पुराने रहवासी है। जो बचे हुए काम है, डॉक्टर गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जीतन दरवाड़ साहब, रूता मैडम और शमीम खान जी और सभी के सहयोग से सारे बचे हुए काम बहुत जल्द होने वाले। और इलेक्शन की बात मैडम ऐसा है कि 5 साल में 3 इलेक्शन आते हैं। आमदार इलेक्शन में काम करो तो लोग बोलते हैं इलेक्शन आया तो ही काम किए, MP इलेक्शन के टाइम काम करो तो लोग बोलते हैं इलेक्शन आया तो ही काम किया, कॉरपोरेशन इलेक्शन में काम करो तो बोलते कॉरपोरेट इलेक्शन में काम कर रहे। और इस बोर्ड का तो ऐसा मामला है कि यहाँ पे 6 इलेक्शन हो गए, तो इलेक्शन की वजह से हम हमारा काम नहीं छोड़ सकते। तकरार जब भी आएगी लोगों की उतर के हम समस्या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हल करेगी।